वेलकम बाय फ्रेंड्स। कल मैंने सीटेट 2018 का पेपर डाला था, तो आज मैं उसका पेपर टू सेट एम का फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। डेट इज़ अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो पार्ट बाय पार्ट मैं इसको अपलोड करूँगा, बाकी भी जैसे सॉल्व करूँगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड द पेरीफ्री, उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेडिएटेड डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन फॉर्म में सेंटर से बाहर में आ रही है। That is a radiated form. School is an institution of socialization of children. वहाँ क्या करते हैं? The school children occupy the center position. क्योंकि school का जो children होता है, बच्चा होता है, उसका जो periphery होता है, उसका जो surrounding है, जो society है, वो ही इसको socialization करवाता है। तो जो center part होता है, that is the student. If you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the other in your group, यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो तो उसके उस बाकी टीचर को फॉलो करते हो, तो आप उसको कन्फॉर्मिटी कहते हो, अनुरूपता। जो ग्रुपों में आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करते हो। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट परमियंस अटेन इन द पियाजे थ्योरी, दैट इज़ द सेंसी मोटर स्टेज। इसमें आपको ऑब्जेक्ट परमियंस आ जाती है। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम प्लान फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसका आंसर आएगा नंबर वन। बिटवीन द मंथ ऑफ एज मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन बिगेन टू कम्बाइन स्मॉल वर्ड इनटू सेंटेंस, स्पीकिंग करते हैं छोटे वर्ड्स को, उसको 2 साल की एज में लिखा गया है, यानी 18 महीने से लेके 24 महीने तक। IQ का कंसेप्ट जो स्टर्न ने दिया था, इसका आंसर आएगा 3 नंबर। क्रिएटिविटी थॉट जो है उसको रिलेट किससे साथ कर सकते हैं? फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर 1 एंड 2 दोनों आते हैं, तो इसकी आपको ग्रेस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सेप्टेबल साउंड कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो साउंड होते हैं जिसको आप अपने वोकल कोड या वोकल ऑर्गन से यूज़ करते हो, उसको हम फोनोलॉजिकल कहते हैं, फोनेटिक नोटेशन, यानी बोल के कैसे उसको दिखाना होता है। द पोजिशन वेयर द थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस बाई लैंग्वेज, इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, दैट इज़ अ लैंग्वेज एंड थॉट, दिस इज द राइट आंसर। द रवि रिपेयर द अप्लाइंसिस बाई टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द कॉजेज ऑफ द मैलफंक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद द सिम्टम, तो कोई मशीन को ठीक करता है उसमें जो खराबी आ रही है उसको देख के, तो उसको हम कहते हैं एलॉगरिथम एंड हेरियस्टिक। तो लॉगरिथम हेरियस्टिक में कन्फ्यूज़न है, बट इसका जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर बनता है, डेट इज़ अ एल्गोरिथम। दिव्या ऑफन डिवाइड द असाइन जॉब इनटू स्मॉल पार्ट, किसी काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, डेट इज़ कॉल्ड रिडक्शनलिज्म, इट इज़ द नंबर वन ऑप्शन। सोसाइटी डिटरमिन द रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट इज़ द जेंडर इज़ द सोशल कंस्ट्रक्ट। तो मेल एंड फीमेल नर्मदा का जो फाउंडेशन है, ये सोसाइटी ने ही किया है, तो इसको हम कह सकते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। ग्रेडिंग कोडिंग मार्किंग क्रेडिट एकुमुलेशन, ये जो हम करते हैं इसका क्या होता है? सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, चिल्ड्रन की पोजीशन को ही सिंबलाइज करता है कि वो किस पोजीशन में आता है। असेसमेंट ऑफ द लर्नर अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू, टीचर जो लर्नर जो स्टूडेंट की असेसमेंट करता है उससे उसको क्या फ़ायदा होता है? मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, उसकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करने में इसको हेल्प मिल जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका ऑप्शन आएगा नंबर 2। राइट ऑफ द पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 में आया है। द चिल्ड्रन विद द इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन द स्कूल हैविंग टीचर ट्रेन इन द डिफरेंट पैडागोगी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग, तो अलग अलग पैडागोगी में इसको ट्रेन होना चाहिए। राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वो होती है 8th क्लास तक, यानी 6 साल से लेके 14 साल तक। प्रोवाइडिंग द टीचिंग लर्निंग मटीरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट, बच्चों को समझाने वाला मटीरियल प्रोवाइड कराना, डेट इज़ द यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। इन्वॉल्व द सेल्फ अवेयरनेस, डेट इज द मेटा कोग्निशन एंड द कंट्रोल ऑफ द कोग्निटिव एबिलिटी, प्लानिंग रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, कोई भी काम को करना, डेट इज़ द मेटा कोग्निशन।
When the children think the interpret the received information according to the experience, that is called concrete thinking. 23 number, teaching learner at the varying level of the difficulty based upon the ability of individual learner, known as precision. Precision matlab accurately study karna, har ek level dekhna. Maintenance is the specific stage of learning which is a condensed stage of generalization. जेजॉन ने बिलीव किया था जो कॉग्निशन एंड इमोशन है जो इंडिपेंडेंट होते हैं. टीचर इज़ द टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोस्ट्रेशन ऑफ द टास्क करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑलरेडी लर्निंग. जो पुरानी कोई काम किया उसको करेक्ट करने के लिए द्वारे करता है, डेट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड करेक्शन. तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बनता है डेट इज़ द ऑब्जर्वेशन, कि उन्हें करेक्शन भी किया है. तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट साइकोलॉजिकली डेट इज़ द ऑब्जर्वेशन. अकॉर्डिंग टू द मैन एंड जेनस, जिसका आंसर आ गया बिलीजेंट. इन थिंकिंग ए चिल्ड्रन एज प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो उसकी थिंकिंग करवाता है उसको जहाँ तो लॉजिकल आएगा जहाँ तो क्रिएटिव आएगा. तो इसका रेलिवेंटली मोस्ट जो है इसका लॉजिकल ही है. द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस बाय एंजॉइंग द देम सेल्फ, अपने आप को एंजॉय करना है, करना काम भी करना है. तो उसमें ड्रिल अभ्यास करवाना बच्चों को, या कंज्यूमर टाइप, प्रोड्यूसर टाइप, प्रॉब्लम टाइप. तो मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा कुछ प्रोड्यूस करता है उसमें उसको अप्रिसिएशन मिलती है तो उसमें ज़्यादा एंजॉय करता है, और ड्रिल में भी करता है. तो मेरे अकॉर्डिंग इन फर्स्ट एंड थर्ड में कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको देख सकते हो, ये भी कन्फ्यूजिंग है. मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज साइमल्टेनियसली यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्सटाइल इन्हांस द लर्निंग. इन एड्स को यूज़ करके क्या इन्हांस होता है, विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, तो काइनेस्टिक, वेस्टिबुलर, परसेप्चुअल. मेरे अकॉर्डिंग परसेप्शन ठीक होती है इससे, तो इसका आंसर 3 आएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. तो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का कंसेप्ट, जो मैंने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको दिया. तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन लगती है प्लीज़ पॉजिटिवली कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ एंड साइंस का सॉल्व करके बताऊँगा.